भाई आज हम दो बाइक का टोचन करने वाले हैं। एक हमारे पास है बजाज डिस्कवर और एक हमारे पास है हीरो की स्प्लेंडर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हीरो की स्प्लेंडर नई वाली है, अभी लाए ने एक दो महीने हुए हैं और हमारे डिस्कवर 2012 या 13 मॉडल गाड़ी है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दम पकड़ती है, किसमें ज़्यादा पावर है। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे हमने टोचन बांध दिया है हमारे दोनों गाड़ियों में और दोनों गाड़ी स्टार्ट कर ली है और सही तरीके से हमने खड़ी कर दी है और हम शुरुआत पहले गियर से करने वाले हैं। पूरा कॉम्पिटिशन पहले गियर में होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो दोनों गाड़ी की रेस देना स्टार्ट हुआ है, जिसके बाद डिस्कवर ने हीरो को खींच लिया है। दोस्तों जिसके बाद थोड़ी सी हीरो डिस्कवर को खींचा, जिसके बाद थोड़ी सी डिस्कवर की रेस देने के बाद जैसे कि आप अभी आप देख ही पा रहे होंगे पूरी हीरो गाड़ी खड़ी होकर पीछे पूरी खींच दी। दोस्तों जैसे कि आप डिस्कवर का पावर देख सकते हो, अच्छा खासा पावर है और यहाँ पर हमारी डिस्कवर गाड़ी जीत जाती है। चलते हैं अब दूसरी गाड़ी की तरफ। जैसे दोस्तों मैं अब दूसरी गाड़ी पे आ गया हूँ। हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर और प्लेटिना, बजाज की प्लेटिना है दोस्तों, जो कि 2007 या 8 मॉडल गाड़ी है। जैसे कि आप पावर देख सकते हो, हीरो ने अच्छी खासी पावर बताई है, पूरी प्लेटिना को आगे से खड़ी करके पूरी खींच दी है दोस्तों, जिसके बाद हमारी प्लेटिना गाड़ी बंद हो गई थी। तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे और वापस से कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि अभी इस वाली वीडियो में हीरो ने अच्छा खासा पावर बताया प्लेटिना के समथिंग, और प्लेटिना थोड़ी पुरानी गाड़ी भी है दोस्तों। अब वापस से स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो इस बार थोड़ा प्लेटिना थोड़ा अच्छा खासा दम पकड़ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे आगे से पूरी खड़ी हो गई है, फिर भी अपना पावर नहीं छोड़ा इस बार, पूरी हीरो स्प्लेंडर को पीछे एक साइड घिस लिया दोस्तों। प्लेटिना ने भी अच्छा खासा पावर बताया और हीरो ने भी उसकी जगह अच्छा खासा पावर बताया। दोस्तों यहाँ पर प्लेटिना के मुकाबले हीरो स्प्लेंडर बाइक जीत गई है। दोस्तों हीरो स्प्लेंडर ने अच्छा पावर बताया।